हेलो गाइस, देखने रात के बज रहे हैं 11। कौन खाएगा कौन और खाएगा, यहाँ चल रहा है हमारे बुड्ढे का खाना। ये क्लैप 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 क्लैप। गौरव गौरव जल्दी आओ। तो गाइस कल है हमारे गुड्डे का सर्जरी। फाइनली मैंने डॉक्टर से कंफर्म किया है कि डॉक्टर साहब आप बताइए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है और गुड्डो कल भी बहुत परेशान हुई थी होली के टाइम पे, है ना सोनू जी? होली के टाइम पे मतलब ना पूरे टाइम ये गोदी में रही है, वो भी पैर फोल्ड किए हुए और उसका जो नीचे सूजन था वो सूजन बढ़ा ही हुआ था। तो मुझे बहुत मतलब डर लग रहा था कि भाई मैंने कहा जितनी जल्द से जल्द हो जाए तो हो जाए बस उसका फटाफट से। तो आप कल मॉर्निंग का है, कल मॉर्निंग गुड्डो जाओगे हमारे साथ? तो गाइस हम आपको कल पूरा पूरा दिखाना, पूरी कोशिश करेंगे दिखाने के। हम मॉर्निंग में निकलेंगे 7 बजे यहाँ से निकलेंगे। मैंने अपने पापा को फ़ोन कर दिया अभी कि आप सुबह आ जाना। तो अभी मैं अभी रात को ही मैं रेडी कर लूँगी सुबह के लिए सब कुछ, अभी सारा काम हम कंप्लीट कर लूँगी ताकि मुझे सुबह ज़्यादा कुछ काम करना ना पड़े और हम सुबह सुबह निकल जाएंगे। गौरव गगन यहीं घर पर रहेंगे, मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी कॉल कर दिया, वो भी वहाँ से आ जाएंगी। और सिस्टर वगैरह को मैंने सबको बता दिया कि हम सबको जाना है गुड्डो सर्जरी के लिए। तो आप देखो कल, आई होप सो गाइस प्लीज़ प्रे करना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। गौरव जल्दी आओ जल्दी आओ, बेटू रोटी कौन खाएगा? जल्दी आओ जल्दी आओ, आओ खाना खाओ भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो गाइस अभी ये पूरा कमरा समेटना है क्योंकि बच्चों ने पूरा मैं ऐसे समेट होते पूरे दिन में समेटते रहते हो, कम से कम 10 बार समेटते मैं घर। ये ना हमारे गोरा भाई साहब, इनको पसंद नहीं होता है कुछ चीज बिछा हुआ यहाँ पे, सब चद्दर होगा हिला देगा। गाइस ये मैं खिला रही हूँ इनको अजवाइन का पराठा, अजवाइन नमक का पराठा जो कि ये खेलते रहते तब मैं देती हूँ ताकि ये आराम से खेलते खेलते खा लेते हैं। पोंपो पोंपो करते रहे गैस निकलते हैं फिर। आ जाओ गौरव गौरव कम देखो साइड में जगह हटते ही बेचारा सबसे पहले गया। जगह नहीं उतना हटवाया है, चिक चिक हटवाया है उन्हें। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हमारे रूम में हो रही है ना कि ना हमारा मोस्टली पूरा पूरा प्लान है रूम चेंज करने का। क्योंकि मैंने इनसे कह रही थी कि ना यहाँ पे कहीं भी ना मतलब ऐसे गैस निकलने को जगह नहीं है। अभी मैं ये लगा लो कि हमारा पंखा ना फुल पे चल रहा है 4 पे, उसके बावजूद भी ना रूम का मतलब ऐसा हाल हो रखा है ना कि मतलब गर्मी इतनी लग रही है मुझे। और मैं इनसे ये कह रही हूँ, मैं तो देखो आप तो काम पे चले जाते हो और यहाँ पे लाइट भी जाती है ना तो 3-3, 4-4 घंटे के लिए लाइट गायब हो जाती है। तो उस लाइट गायब में बस सोचे मैं कैसे परेशान होंगी, तीनों बच्चों को नीचे ले जाना वो भी वो फिर अकेले वो भी। अभी भी मैं नीचे घुमाने के लिए ले जाती हूँ तो पहले एक को छोड़ के आती हूँ फिर दूसरे को लेके जाती हूँ फिर तीसरे को लेके जाती हूँ, कम से कम 6-7 चक्कर मेरे कर जाते सीढ़ियों पे ही। और मैं अगर लाइट चली जाती तो पीछे से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बच्चों को कैरी करना। तो मैं इनसे यही कह रही हूँ कि रूम चेंज कर लो। तो हम देख रहे हैं न्यू रूम कहीं पर अगर हमें सही अच्छा मिल गया, कि मतलब एक हम देख के आए थे तो रूम के अंदर ही बालकनी थी, वो रूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। हम उसको बिचार क्या कर रहे हो आप, गंदी बात है ना, हैं हम पिटी कर देंगे आपकी, गो हटा ऐसे। कौन खाएगा आ करो आप, क्या चल रहा भाई? अब भाई एक में कितने चढ़ेंगे भाई, गिर जाओगे। देखो उसको जरा से देख, लटका दिया उसको, ये देखिए गिरा। गुड्डू जबरदस्ती बीच में आ गया। Okay.
जान बच के नाटक नाटक। ओ भाई उसे आने क्यों नहीं दे रहे तुम दोनों? हाँ क्यों नहीं आने दे रहे उसको? बड़ा भैया है ना? हाँ दो ही है, दो नहीं है। ऊपर आने दो उसको, आ जा गोकू ऊपर आ जाओ, चढ़ जा चढ़ जा। जगह नहीं मिल रही, आ जाओ आ जाओ। पैर उठा रहा उसका किराटिया से। ये दोनों तो देख देख कैसे अड़ गए, देख उसको गिरेगा नहीं वो तो, वो एक ही पैर से टिका हुआ है बस। मैं देखते रहना ये क्या ड्रामा चलेगा इनका। अब हर रहेगा देख के देख। बाबा मम्मा मम्मा एक चीज तो सही है बेटा, जब बेटा भूख लगती है तो मम्मा। वैसे कोई मम्मा नहीं है ना, कोई बात नहीं। अब आना भूख लगे तो मम्मा करते हुए मम्मा सुनेंगी नहीं आपकी। पैर नहीं हटा रहे दोनों जने, वही आधा कब्जा कर रखा है बेचारा। लात मार मार के गुड्डी लात मार रही, बैठ कर दे देख देख पैर हटा। गुड्डी पापा 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 गाइस हम हो चुके रेडी, आप सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। तो हम लोग अब जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। गुड्डो को 3 बजे के बाद से दूध पानी कुछ भी खाने पीने के लिए सब कुछ मना कर रखा था, कह रहे थे ऑपरेशन से पहले हमें इनको कुछ नहीं देना। तो रात 3 बजे के बाद मैंने इनको कुछ नहीं दिया है, और अभी गुड्डो जो है बहुत तेज तेज रो रही है कि मतलब उसको भूख लग रही है, क्योंकि रात 3 बजे बहुत ज़्यादा टाइम होता है उसके लिए। और अब हम निकलने जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। ये सोनू जी का बैग रेडी हो रहा है, मैंने अपने पापा को फ़ोन कर दिया, पापा घर आते होंगे। और मेरी सिस्टर वगैरह जो है वो हॉस्पिटल ही पहुँचेंगी, मेरी मदर इन लॉ भी वो सीधा हॉस्पिटल जाएंगी। हमने बैग में इमरजेंसी चीज़ जब तक रिपोर्ट्स वगैरह डाल रहे हैं, गुड्डो के कपड़े डाल रहे हैं। ये हमारी गुड्डो, चले गुड्डो चले बेटा। गाइस आप सब प्रे करना कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। ये देखो ये बैग पैक कर रहे हैं, चले सोना चलो गाइस हम चलते हैं। मेरे पापा को मैं फ़ोन करती हूँ, मेरे पापा घर जल्दी से पहुँच जाए और हम निकल जाए। गाइस अभी तक मैं आज लेके आ गए, बट किसी भी काउंटर पे डॉक्टर अभी है नहीं। देखो मुँह पर जा रहे बच्चे के बाल में। बेचारी गुड्डी गाइस 3 बजे से भूखी है। हाय बड़ी अभी हम जा रहे हैं बच्चे के वार्ड में, देखते हैं ऊपर ऊपर तो डॉक्टर वगैरह है या नहीं। हमें तो 8 बजे बुलाया है पर हमने डॉक्टर है तो वो चले ना गाड़ी।
इसका ऑपरेशन अभी हो गया है, जस्ट अभी अभी मेरे पास आई है। बहुत खुशी मिल रही है कि फाइनली मेरे पास आ चुकी है। अभी सो रही है। 3 बजे का टाइम दिया है हमें, 3 बजे इनको खाना वाना खिला सकते, दूध भी खिला सकते हैं। और 6 बजे डिस्चार्ज के लिए बोला है। अब बाकी देखो बच्चे, दादी नानी बाहर है, बाहर वेट कर रहे हैं। मिलने का मन तो खैर सबको ही है, बट ये आया कि हॉस्पिटल है, हर कोई आ नहीं सकता ना यहाँ पे, तो इसलिए सब नहीं आ रहे। मतलब मिलने वाले तो लाइन लगा रहा था। तो गाइस फाइनली डॉक्टर ने कह दिया है थोड़ा सा पानी, 4 बजे करीब इनको पानी देने स्टार्ट करें, तो 4 बजने में 2 मिनट लगा, तो मैंने इनको पानी फर्स्ट पानी पिलाया। थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा दूध देंगे, थोड़ा देंगे, फिर कुछ खिचड़ी वगैरह 8 बजे। अभी तो ज़्यादा नहीं कहा, थोड़ा थोड़ा करके कहा खिलाने के लिए, मतलब चीज़ें थोड़ा तो अब कैसे यहाँ हमारा चला था थोड़ा सा खाना, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। Yeah.
तो गाइस यहाँ गुड्डी का हमारा हो रहा है मुंह साफ, ये टेप वेप चुका है ना, टेप वेप लगा रखा है ना, तो अभी ये हटाया यहाँ से सारा। गुस्सा नहीं करते बेटा मेरा, साफ कैसे होगा फिर आपको? आपको तो पसंद है ना टिश्यू से क्लीन करवाना, मैं ना बेटा बस अब घर निकलेंगे ना, एक आध घंटे में 5 बज गया होगा ना, 5 बज गया होगा तब फ्रेश निकलने वाला है। 5 ये देखो गाइस 5 बज गए, 6 बजे बोल रहे थे, 6:30 बजे गाइस अभी देखो गुड्डी को ये भी लगा हुआ है सारा, अभी पैर में भी है, अभी सब हटाएंगे धीरे धीरे। नारियल पानी रखे पीने के लिए, ठीक है अभी दिया है नारियल पानी। गुड्डी देखो, नहीं बेटा नहीं 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 भैया आप करेंगे शैतानी सब करेंगे, समझ गई, बस 1-1.5 घंटा और फिर घर चलते हैं। इसी साइड हुआ ना इसके, इसलिए ये पैर ज्यादा दर्द हो रहा है, तभी मैंने ये लगा दिया, मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। हमें रात को भी ऐसे सुलाना पड़ेगा इसको, नीचे पैरों पे कुत्ता के लगा ऐसे सपोर्ट मिल रहा है, ज्यादा ही मूवमेंट करेगा तो दर्द होगा ऐसे ज्यादा, वैसे पेट के बल से होती है ना ज्यादातर, ध्यान देना पड़ेगा अच्छे एक हफ्ता कम से कम, है ना गुड्डू? कोई नहीं गुड्डू रख लेंगे ध्यान भाई, है ना गुड्डा? फिर आपने पैर उठाया ना, मैं आप ऐसा करते हैं पता नहीं पूछा मम्मी से नहीं ठीक है ठीक पहले बना ले ये क्या वो पहन। गाइस फाइनली हम अभी जस्ट अभी हम घर आए हैं, रात के 9:30 बज गए और अभी आके गुड्डो उसको हमने लिटाया था, जाके देखो उठ के बैठने, बस उसको खेलना है और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया और गुड्डो भी एक ही दिन के अंदर अंदर वापसी घर भी आ गए, तो बहुत ही खुशी मिली हमें भी। आप सबका प्रेयर जो है बहुत ही ज़्यादा काम आया, आप सबके सामने गुड्डो है जो कि बहुत अच्छे से ऐसी सर्जरी हो भी गई है और वापसी आ भी गई है हमारे सामने। हाँ बिट्टो आजा, 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 आजा
खाएगा तो हाँ।